आखिर मारा गया 1 लाख का इनामी बदमाश मेहरबान। 65 लाख की लूट में वांछित चल रहा था मेहरबान। एसटीएफ का एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल भी गायब। भारी मात्रा में हथियार और कारतूस हुए बरामद। थाना साहिबाबाद व एसटीएफ नोएडा की संयुक्त टीम की बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ में 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश मेहरबान गोली लगने से ढेर हो गया। मिली जानकारी के अनुसार एसटीएफ की नोएडा यूनिट और गाजियाबाद पुलिस में मुठभेड़ में बदमाशों ने टीम पर अंधाधुंध फायरिंग की। टीम द्वारा आत्मरक्षा में किए गए फायर में कुख्यात बदमाश मेहरबान को गोली लगी, जो ग्रेटर नोएडा के थाना जारचा क्षेत्र में हुई। 65 लाख रुपए की लूट के मुकदमे का वांछित अपराधी था और उस पर 1 लाख का इनामी घोषित था। मेहरबान पर हत्या और लूट के लगभग 30 मुकदमे दर्ज हैं। इस मुठभेड़ में एसटीएफ के 2 लोग भी घायल हो गए। सर, पुलिस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश मारा गया है, क्या है पूरा मामला और क्या जानकारी अब तक बदमाश के बारे में मिली है? देखिए, आज ये कोयल अपार्टमेंट जो कि साहिबाबाद थाने में पड़ता, वहाँ एक पुलिस मुठभेड़ हुई, जिस पुलिस मुठभेड़ में एसटीएफ की नोएडा यूनिट और हमारी साहिबाबाद की पुलिस संयुक्त रूप से शामिल थी। इसमें एक सेंट्रो कार में 3 बदमाश थे और उनके द्वारा जब उन्हें जब रोकने का प्रयास किया गया तो कोयल अपार्टमेंट में घुसे और तीनों बदमाशों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। पुलिस की काउंटर फायरिंग में एक बदमाश मेहरबान, जो कि 1 लाख का इनामी बदमाश है और 65 लाख की जारचा में लूट हुई थी उसमें शामिल था, वो घायल हुआ। हमारे एसटीएफ यूनिट के 2, 1 हेड कांस्टेबल 1 कांस्टेबल भी घायल हुए। घायलों को तत्काल हॉस्पिटल लेके जाया गया, जहां मेहरबान को मृत घोषित कर दिया गया है। ये एक शातिर बदमाश है और इसके ऊपर 30 से अधिक लूटपाट के, मर्डर के और गंभीर अपराध के मुकदमे इस पर पंजीकृत। सर, क्या ये पता चल पाया कि आज ये किस उद्देश्य से अपनी टीम के साथ जो है वो गाजियाबाद आया होता है ऐसा कुछ? देखिए, ये शातिर लुटेरे हैं और पहले भी लूटपाट में शामिल रहे हैं, तो निश्चित रूप से किसी बड़े क्राइम को अंजाम देने के लिए यहाँ पर गाजियाबाद के साहिबाबाद क्षेत्र में घुसे थे। सर, फरार बदमाशों के बारे में कोई जानकारी अभी? देखिए, अभी कोई जानकारी फरार बदमाशों के बारे में नहीं है, क्योंकि ये बदमाश गंभीर रूप से घायल था और उसके बाद इसे मृत घोषित कर दिया गया है। अभी कॉम्बिंग चल रही है और हमारा प्रयास है कि उन्हें पकड़ा जाए।